दोस्तों, जियो और एयरटेल का रिचार्ज महंगा होने के कारण आपने अपने नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि आपका जो बीएसएनएल का नेटवर्क है, जो इंटरनेट है, वो काम नहीं कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको 3 सेटिंग बताऊंगा जो कि बीएसएनएल खुद कहता है कि आप इस सेटिंग को करो, तब जाकर आपका इंटरनेट जो वो काम करेगा और 4G+ स्पीड देगा। तो कैसे सब कुछ करना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहां पर पहला जो ट्रिक आपको करना है, यहां पर सेटिंग लगाना है, आपको आ जाना है कनेक्शंस में, ठीक है। कनेक्शंस में जैसे ही आओगे तो यहां पर एक ऑप्शन दिख जाएगा मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। तो मोबाइल नेटवर्क पर आपको क्लिक कर देना होगा दोस्तों, और उसके बाद यहां पर एक्सेस पॉइंट नेम्स का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपका बीएसएनएल इंटरनेट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। बीएसएनएल नेट यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा, बस आपको क्या करना है, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहां पर रिसेट टू डिफॉल्ट का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, बस आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहां पर नीचे क्या आ गया, कैंसिल और रिसेट का ऑप्शन आ गया, बस आपको इसे रिसेट कर देना है। रिसेट करने के बाद फिर से आपको अपने बीएसएनएल इंटरनेट पर इस तरह से टिक कर देना होगा, यहां पर टिक हो जाएगा, और उसके बाद यहां पर सिंपल बैक आ जाएंगे। अब दूसरा सेटिंग आपको लगाना होगा अपने फोन में, तो यहां पर आपको इसी में मिल जाता है एक ऑप्शन नेटवर्क मोड का, ठीक है। तो नेटवर्क मोड पर आपको क्लिक कर देना है, और यहां पर पहले से आपका जो सेट रहेगा 3G 2G ऑटो कनेक्ट पर यहां पर सेट रहेगा, लेकिन आपको यहां पर सेट क्या करना है, LTE 3G 2G ऑटो कनेक्ट, ठीक है। तो यहां पर मैं इस पर टिक कर दूंगा, ठीक है, ये हमारे यहां पर सेट हो गया। अब यहां पर अगला आपको जो सेटिंग करना है लास्ट वाला, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही मेन सेटिंग है जिससे कि आपका बीएसएनएल का इंटरनेट वर्किंग करने लगेगा, ठीक है। तो यहां पर सिंपल बैक आ जाएंगे, बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहां पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है दोस्तों। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है जनरल मैनेजमेंट का, तो बस आपको जनरल मैनेजमेंट पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहां पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहां पर एक ऑप्शन दिख जाएगा रिसेट, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये रिसेट वाला सेटिंग नहीं मिल रहा है ना, तो आप यहां पर एक काम और कर सकते हो, आप यहां पर सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना, यहां पर रिसेट यहां पर लिख देना, ये आपके सामने रिसेट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बस आपको इस पर क्लिक कर इसे ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद यहां पर देखिए रिसेट आ गया, फिर से आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर 3 ऑप्शन आ जाता है, रिसेट ऑल सेटिंग, रिसेट नेटवर्क सेटिंग, रिसेट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना है, आपको करना है रिसेट नेटवर्क सेटिंग्स, आपको इसे कर देना है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपका क्या करेगा कि जिस तरह से नया में आपका नेटवर्क काम करता है, जो भी इशू मतलब कि रहता है, वो उस तरह से हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी छेड़छाड़ कर दिया होगा, वो फिर से आपका सही सेटिंग हो जाएगा। तो इसे आपको यहां पर क्या करना है, रिसेट सेटिंग्स पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर जो भी आपका फोन का पिन पासवर्ड जो भी है, वो पिन पासवर्ड अपना डाल देना। डालने के बाद यहां पर रिसेट का ऑप्शन आ गया, रिसेट नेटवर्क सेटिंग, आप बस इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करोगे जैसे ही तो आपका जो नेटवर्क है वो रिसेट हो जाएगा, उसके बाद आपका जो सारा सेटिंग है वो काम करेगा दोस्तों। अब यहां पर देखिए आपका जो इंटरनेट है वो कितना स्पीड काम करेगा, देखिए 4G+ यहां पर काम कर रहा है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए 4G+ यहां पर जब वो काम करने लगा इंटरनेट, ये देखिए ऊपर में यहां पर 4G+ लिख रहा है। तो इस तरह से आपका बीएसएनएल का इंटरनेट जो वो काम करने लगेगा, और उसके बाद आप यूट्यूब पर कुछ भी देखो, कुछ भी सर्च करो, यहां पर देखिए सारा कुछ आपको दिखेगा, देखिए यहां पर तुरंत तुरंत सब कुछ काम करेगा, देखिए जरा सा भी यहां पर देखिए तुरंत तुरंत यहां पर सारा कुछ यहां पर चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बीएसएनएल का अगर नेटवर्क जो वो नहीं रहता है, तो इस तरह से आपको सिर्फ 3 सेटिंग करना है और आपका जो बीएसएनएल का इंटरनेट है वो काम करने लगेगा। तो कैसा लगा ये ट्रिक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।